पहले तो मैं सारे जो हमारे जवान हैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने तबियत को सक्सेसफुल किया और इंटरव्यू को उसको पास किया और हमारे परिवार में जुड़े, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि आज से आप हमारे परिवार में आ चुके हो और अब आपका दरबार दिल्ली फैस प्रदेश है। मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, मेरे को वो दिन अभी भी याद है जब मेरे पास बहुत कम कॉल आते थे और हम आप लोगों की ट्रेनिंग में स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा जो फार्मा था वो बहुत छोटा था, उसमें इतने लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। मेरे पास रोज़ बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल, बहुत सारे फादर्स की फोन आए कि सर की ट्रेनिंग का स्टार्ट हो गया और बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि सर हम लोग बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं, हमारे लिए ट्रेनिंग जितनी जल्दी स्टार्ट कराई जाए वो बहुत अच्छा होगा। मेरे को अभी भी याद है हमारे जो चीफ पायलट थे वीरेंद्र जी, हमारे चट्टोपाध्याय साहब, तुम्बी साहब, हम लोगों ने फिर मीटिंग की कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ कराई जाए। फिर ये बहुत हम लोगों ने ढूंढा, फिर ये बवाना जो है पता निकल गया है कि यहाँ पे हम इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने इतनी कम सहूलियत के साथ भी ट्रेनिंग को पूरा किया। वहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग की फैसिलिटी बहुत कम थी, जो फातमा में होते काफ़ी कम थी, बट मैं आश्चर्यचकित भी हूँ और बहुत गर्व भी महसूस करता हूँ कि एक भी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करी। हर परिस्थिति में उसके लिए आपने सब लोगों ने मिलजुल के निपटाया और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और आप सभी के लिए भी गर्व की बात है। मेरे को आज ये ट्रेनिंग देके जो आपकी परेड हुई, ट्रेनिंग हुई, इसको देख के मेरे को कोई शक नहीं है कि हमारी जो परेड है वो किसी से कम नहीं है। लोग बहुत पुलिस की आर्मी की कहते हैं पर हमारी ट्रेनिंग आज मैंने देखा, मैं चीफ पायलट साहब से यही कह रहा था कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, अद्भुत ट्रेनिंग है, इतने कम समय में इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, इसलिए आप सभी लोग बधाई के पास में बहुत अच्छा बहुत उमदा ट्रेनिंग है। मेरे पास इससे ज़्यादा और कोई शब्द कहने के लिए नहीं है। वंडरफुल ट्रेनिंग, अद्भुत ट्रेनिंग, अद्भुत कोऑर्डिनेशन, बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोग अब दिल्ली परिवार में जुड़ गए, दिल्ली फायर सर्विस के परिवार में जुड़ गए हैं। मैं सब जगह कहता हूँ, आपको यहाँ भी कहूँगा, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ फायर सर्विस एक ऐसी सर्विस है जब आग लगती है, कोई दुर्घटना होती है, सब लोग बाहर भाग रहे होते हैं और हम लोग अंदर जा रहे होते हैं और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होता है। कोई 10-20-25 हज़ार रुपये के लिए कोई जो है अंदर नहीं आता। ये आपका जो है कमिटमेंट है सर्विस के लिए, आपका मोटिवेशन है सर्विस के लिए, जो मैं हर फोरम पे कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ कि सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ही की सर्विस रहती है। रियासत सर्विस कर लीजिए, फायर सर्विस कर लीजिए, जो जब लोग दुखी होते हैं, लोग परेशानी में होते हैं, हम अंदर जाते हैं, सब अपनी जान बचा रहे होते हैं और ये बहुत ही अद्भुत कार्य है और मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस कार्य को बहुत अच्छा करेंगे, दिल्ली फायर सर्विस का नाम जो है आगे ले जाएंगे और एक नया रिकॉर्ड जो है बनाएंगे दिल्ली फायर सर्विस के लिए। दिल्ली फायर सर्विस में बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट सर्विस इंडिया में है। हम सभी पूरी इंडिया की फायर सर्विस को सभी लोग जो है हमारी तरफ देखते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस ने कौन सा इक्विपमेंट खरीदा, कौन सा डील किया। आप ये मान के आपको आश्चर्य होगा कि जो आज दिल्ली फायर सर्विस का जो ऐप है वो सभी स्टेट ने भी वही अडॉप्ट किया हुआ है, वही मॉडल फायर ब्रिगेड बना और बाद में सभी स्टेट इसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम एक प्रीमियम सर्विस है जो हमारे सीनियर ने हमें दी और हम आपको सौंपेंगे और आप इसको आगे लेके जाएंगे। मैं इसके ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी जो ट्रेनिंग जो फायर ऑपरेटर हो गए हैं उनके जो पेरेंट्स से आए हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लोग आए, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया और जो टीम है हमारी जिन्होंने इतने मेरे को इतना कम हमारे पास फैसिलिटी थी उसके अंदर इतना अद्भुत प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार गाड़ियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां।